हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज के एपिसोड में हम लोग टेम करने वाले बेरियोनिक्स। तो देखो, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन आई थिंक बेरियोनिक्स ही कहते हैं उसको। एंड कुछ लोग कह रहे थे भाई कि मैं बेरियोनिक्स से डरता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज तुम लोग को उसको टेम करके दिखाऊंगा एंड मैं साबित करूंगा यार मैं उससे नहीं डरता बिल्कुल भी। तो भाई आज तो इज्जत का सवाल है, इसलिए आज हम लोग उस बेरियोनिक्स को टेम करके रहेंगे। लेकिन हाँ, लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब लेवल का क्या है भाई, जो लेवल मिलता है मैं टेम कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे इतना पता होता है कि मैं उसका लेवल अप कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो भाई 100 साल की मेहनत के बाद फाइनली बीवर डैम बन चुका है। एक सेकेंड, मेरे व्यूअर्स नहीं है उधर, एक सेकंड रुको गाइस, लेट मी चेक। ओ भाई ये क्या स्कैम है, मेरे व्यूअर्स कहाँ गए? अबे यहीं पे तो थे। अरे ये क्या, अब क्या हुआ? अरे वो कहाँ गया? गाइस मेरे को मेरे व्यूअर नहीं मिल रहे यार, 3 व्यूअर थे टोटल, साले कामचोर व्यूअर्स कहीं के। एक व्यूअर डैम बनाया, वो भी 4 दिन लगा दिए, और अब मिल भी नहीं रहे। कहाँ भाग, यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता यार, ये क्या स्कैम है? मतलब आर्क भाई, तुम लोग को रिपोर्ट भी करूंगा तो तुम लोग मेरी रिपोर्ट तक नहीं देखोगे, ना मुझे कोई रिप्लाई भी मिलेगा तुम लोग, ना ये फिक्स होगा ये कहाँ गए मेरे व्यूअर्स। मुझे इसका जवाब चाहिए, इसके अंदर तो नहीं। एक सेकंड मैं भागने की कोशिश करता हूँ, वो लैग हो रहा है, देखो लैग, देखो शायद आ रहे कह लो। भाई आ जाओ यार, प्लीज़ मार लो भले मेरे को 10 चापट, आ जाओ प्लीज़। गाइज यार तुम लोग प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ये चीज़ बताओ भाई, ये क्या स्कैम है? मतलब क्या बीवर ही नहीं है? बीवर डैम बना दिया इन लोग ने, बट बीवर ही नहीं है अभी। भाई मैंने क्या सपना देखा था, और ये क्या हो गया भाई? मतलब गाइज मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मेरे को बीवर्स तो नहीं मिले, लेकिन देखते हैं अभी। तुम लोग मेरे को बताओ क्या, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। बाकी तो यार बहुत ही गलत स्कैम हुआ है इनको ही नहीं, चलो पकड़ने जाते उसको। भाई ये गटर तक तो मैं पहुंच गया। एंड गाइस जिन जिनको ये ग्राफिक्स बहुत सही लग रहे होंगे ना यहाँ पे, भाई एक लाइक तो बनता है यार इस चीज़ के लिए। ग्राफिक्स देखो यार क्या सही लग रहे थे मतलब। एंड बाकी यार मैं इस गटर वाली जगह पे आया क्योंकि बेरियोनिक्स तो यहीं पे मिलते हैं ना भाई। नहीं चाहिए तो वो ऐसे आता मेरे को पकड़ के ले जाता, और अब भाई एक भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या स्कैम है अब तो। भाई ऑलरेडी भाई वो बीवर्स का हो गया, वो दिमाग में ऑलरेडी फिट है भाई। अब बेरियोनिक्स नहीं मिला ना भाई, मैं पूरा रेडवुड उड़ा दूंगा बॉम्ब से। तो फाइनली मैं लोकेशन पे तो सही पहुंच चुका हूँ, मेरे को एक बैरियोनिक्स दिख रहा है, जस्ट अब उसका लेवल वेवल क्या वो देखना पड़ेगा मेरे को। तुम लोगों को मैप में दिखाता हूँ, ये देखो मैं जिस जगह पे आना, इस जगह पे एक बैरियोनिक्स है। अब तुम लोग किस में होगा कि नहीं पता, लेकिन मेरे को तो मिल गया भाई एक, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अच्छा 8 लेवल है इसका, फीमेल है, ठीक है चलो, मतलब ज़्यादा नहीं कम नहीं, ठीक है 8 है, मैं कर लूँगा उसका लेवल, वो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। ये क्या है सामने, एक सेकेंड, अब स्कोप हो ना, ये कापचो बिपचो कापरो चुपरो जो भी है पता नहीं वो कौन सा है। यहाँ पे एक ही बैरियोनिक्स है, बाकी इसके प्रजाति के है दूसरे, बट वो अलग ही है, दूसरा नाम है उसका कुछ तो आई थिंक यही है। तो इसको उठाते हैं, अभी देखते उठता है। अच्छा उठ तो गया, मारना नहीं भाई, इसको देख के ही पता चलता है कितना हरामी होगा। तो मारना शुरू कर दिया इसने भाई, डैमेज देख, डैमेज देख, वो भाई डैमेज तगड़ा दे रहा है, मेरे को उसको छोड़ना पड़ेगा यार, यहाँ पे डैमेज बहुत दे रहा है ये। बक्स आले कितना डैमेज दिया यार उसने, अबे ओए कहाँ गया ये, अबे इतनी मेहनत से लाया था कहाँ गया तू? अच्छा नीचे, मैं बोला भाई ये भी गायब हो गया। अबे रुकना, हील तो कर लेंदे भाई मेरे को, नसीब ये ऊपर नहीं चढ़ सकता भाई, वरना ऊपर आके फाड़ देता मेरी भाई। अच्छा इसका एंगर भी चला गया, काफ़ी जल्दी जा रहा है इसका एंगर वैसे, इसको ये पता है भाई ये किससे पंगा ले रहा है। चलो फिर से उठाते हैं, बस ये ज़्यादा डैमेज ना दे यार इसको ना, मेरे को थोड़ा सा आगे सामने दिख रहा है, यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसका डैमेज इतना, मैं इसको बेस के पास तो नहीं लेके जा सकता भाई। देखो उठाने के लायक ही नहीं भाई तू, तू नीचे उतर भाई, उतर साले, कहीं लेके जाने के लायक नहीं भाई तू। ओ भाई इसकी स्पीड देखो तुम लोग, गाइस काफ़ी सही स्पीड है यार इसकी, मतलब मेरे साथ नीचे पहुँच भी गया। मेरे को इसको ऊपर रखना होगा आरसी को पहले, तो रुको देखो इसका एंगर कितने जल्दी उतर रहा है, मतलब सही है, वरना भरोसा नहीं भाई वो ऊपर से चढ़ के आ जाता और मेरे को आरजी को रखना मुश्किल हो जाता। अभी ये बस ऊपर ना आए, बाकी देखते चलो अब इसको हो जाए बस ये। अबे रुकना, पागल पिघल है क्या? अब
अबे हिल मत भाई, हिल मत, रुक ना, दो मिनट रुक। अबे क्या कर रहा है भाई ये बहुत पागल जैसा कर रहा है भाई। हाँ रुक रुक रुक, शांत रहो शांत रहो। देखो इसका एंगर बहुत जल्दी उतर रहा है भाई, ये तो सही बात है। चलो अच्छा है, ज़्यादा परेशान नहीं होगा। अबे पूछ मुझ, ओके लग गया इस बार। कहाँ गया? अबे एक जगह रुकना भाई, तेरा प्रॉब्लम क्या है? ना तू लड़ता है ना तू सही से इतना। ओए भाग मत, रुक। ओ भाई लग गया यार वो तो। ओ हो गया, ये कितना जल्दी हुआ यार, ये तो बहुत जल्दी हो गया। चलो सही है, मेरा काम तो हो गया बहुत जल्दी, सस्ते में भाई निपट गया। अच्छा तो भाई इसको मीट से काम नहीं हो रहा, तो आई थिंक इसको बेरीज लगेंगे या फिर इसको फिश मीट लगेगा। और इसका थोबड़ा देख के मेरे को लगता नहीं है बेरीज खाने वाले में से, आई थिंक ये फिश ही खाएगा बिकॉज ये पानी में जो रहता है। ओके यहाँ पे फ्यू में भाग रहे, मेरे को पता है यहाँ पे खतरा है। एक काम करता हूँ, पहले मैं अपना आरजी ले आता हूँ, क्योंकि कोई खतरा भी होगा ना तो आरजी पहले भिड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई मेरे पास बर्ड है यार, और बर्ड्स का काम ही होता है भाई सांप को उठा के फेंक देना या खा लेना। भाई तेरा भी वही होने वाला है। और एक्चुअली अर्जेंट एविस आई थिंक ईगल जैसा दिखता है, और ईगल तो भाई सांप उठा ही लेते हैं। ओके अब एक काम करता हूँ, मैं इसका जो है टॉर्पर कंट्रोल में रखता हूँ एंड यहाँ पे स्पाइक्स वॉल बना लेता हूँ। बिकॉज ये देखो यहाँ पे जो सांप भी था ना ऐसे, और बहुत है यहाँ पे, बिकॉज ये एरिया पूरा उसी से भरा है, गटर का एरिया पूरा। भाई यहाँ पे ग्राफिक्स देख रहे हो क्या, सही लग रहा है यार, ये लहराते लहराते घास बहुत सही लग रही है यहाँ पे। ओ भाई मस्त लग रहा है, एक सेकंड मैं इसको ना हाई पे करता हूँ पूरा। ये देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है यार, आज के ग्राफिक में ना एकदम अलग ही यार, मतलब ये एरिया भी बहुत सही, या फिर ग्राफिक्स बहुत मस्त लग रहा है एक्चुअली। चलो एक काम करता हूँ, मैं स्पाइक वॉल बना लेता हूँ पहले तो, क्योंकि यार ये खतरा बहुत है यहाँ पे, तो फटाफट स्पाइक वॉल बनाता हूँ। अभी पहले हाइड कलेक्ट करना पड़ेगा, तो चलो भाई सब काम कर लेते हैं फटाफट से। तो भाई सारे काम तो निपटा लिए, इसका फूड भी काफ़ी कम हो गया है 1700 के आसपास, फिर भी और थोड़ा कम करने का ट्राई करूँगा मैं, इतने जल्दी तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को डायरेक्ट 100 करना है। तो चलो अब एक काम करता हूँ, मैं स्पाइक वॉल लगा लेता हूँ। स्पाइक वॉल तो बना लिए मैंने, तो फटाफट लगा लेते हैं सबको। ऑलमोस्ट होने ही वाला है, बस यहाँ पे ना थोड़ा गैप नहीं, यहाँ पे देखो हाँ गैप नहीं बचना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो सांप भी भाई कहीं से भी घुस जाएंगे अंदर, एंड फिर भाई वो मेरा पिछारा बेचारा बैरियोनिक्स मार दिया जाएगा। तो अभी अंदर तो मैं आरजी से ही जाऊँगा, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी थोड़ा भी गैप नहीं रखना। एंड अभी ये काफ़ी सही है यहाँ पे, मतलब सेफ तो एटलीस्ट है। तो चलो इसका फूड भी कम हो चुका है, तो भाई आई थिंक मेरे को ना इसके लिए ये पकड़ने पड़ेंगे फ़िश का खाना, क्योंकि मैंने देख लिया है फ़िश का खाना इसको लगता है। इसका मुंह देखो यार कैसा लग रहा है, मतलब ये दिखने में वैसे एक्चुअली बोल तो खतरनाक दिखता है, बहुत बहुत खतरनाक यार, खूंखार लगता है बहुत। चलो फटाफट जाते हैं और फिश भी सभी पकड़ना शुरू करते हैं। अच्छा भाई जल की रानी, यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ का बहुत डर है, बिकॉज यहाँ पे पीछे ही सार को घूम रहा है। वैसे मार मैं उसको लूँगा, लेकिन वो पीछे से अटैक करता है तो डर लग जाता है, अचानक से वो शॉक लगता है वैसा हो जाता है, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं। उस वजह से मैं ध्यान ही दे रहा हूँ कि वो आते हुए मेरे को दिख जाए, वरना यार वो ऐसे आता है तो बहुत शॉक जैसा लगता है। अरे ये पत्थर था मेरे को, अरे इसको लेना ही भूल गया। और कहाँ पे भाई, आजा भाई आजा, तुम लोग की तो देरी थी भाई, तुम्हें ही तो मारना रहता है। फिराना इसका काफ़ी सही हिसाब से भाई, खुद ही आ जाते हैं शिकार के पास, शिकार होने को तो मेरे को अच्छा लगता है, बहुत आराम से मिल जाता है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। भाई मारते मारते मैं कहाँ उस किनारे पे पहुंच गया था भाई, वहाँ पे वो देखो सामने एक सार्को है भाई, वो सिर्फ ना यहाँ पे आ जाए, क्योंकि वो आया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, उसको मारते मारते बहुत इशू हो जाएंगे। मार तो लूँगा बट फिर भी नहीं चाहिए टेंशन मेरे को। ओके 40x25 काफ़ी है, मतलब चलो इतने में हो जाएगा आई थिंक, नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा। वैसे देखो ना यार प्राइम मीट होता है तो प्राइम फिश मीट होता है क्या वैसे कुछ
अगर होता हो तो बता दो, मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ होता होगा प्राइम फिश मीट, बट फिर भी पूछ रहा हूँ। इसमें वैसे भी वेल वगैरह भी नहीं यार, इसमें वेल वगैरह होनी चाहिए थी, क्या मजा आता यार हंट करने में। 1420 के आसपास। अच्छा ठीक है, मतलब काफ़ी आ चुका है लोग, आई थिंक इसको खिला देना चाहिए अभी, काफ़ी बहुत लो हो चुका है, बस अब 100% हो जाए किसी तरह। तो भी थोड़ा सा वेट कराया है मैंने इसको फिर से, मैंने 1300 होने दिया बिकॉज मेरे को फिर भी मतलब थोड़ा सा ये था डाउट। तो अभी देखते भाई, 3% बढ़ा ये एक टाइम पे, तो अभी 9 हो गया 12, लेट्स सी भाई क्या होता है अभी। ऐसा लग तो नहीं रहा भाई कि ये होगा 100%, इसका खाने की स्पीड हो रही है, बढ़ रही है बहुत, बट आई थिंक अब लग रहा है हो जाएगा। लेट्स सी भाई, मेरे को कुछ पता नहीं भाई, हो जाए बस। ओके 84 हो गया, आई थिंक हो जाएगा। रुको मैं टॉर्च ऑन कर लेता हूँ पहले। ओके गाइज, फाइनली हो गया ये भी, मतलब अब जो हम लोग का थोड़ा सा अंदाज सही होने लगा है भाई खाने की चीज़ में। मैंने इसका 1000 से 1100 या 200 तक इसको मैंने भूखा रखा, तो इस वजह से हो गया, क्योंकि इसकी 3% से बढ़ रही थी, तो मेरे को ऐसा टेंशन आ गया था कि होगा कि नहीं, बट हो गया, चलो ठीक है। अभी भाई अंधेरा है, और अंधेरे का एक स्कैम है मेरे साथ भाई, मैं घर पर पहुँच नहीं पाता। अब मैं मैप में देखते देखते ही जाऊँगा, होप सो मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ बस। चलो भाई पहुँचता हूँ पहले फटाफट मैं घर पर अपने, फिर दिन भी करना है यार, रात भी देखो कितनी हो चुकी है, इसको दिन में देखेंगे मस्त से। भाई बेस पे तो पहुंच गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो चलो भाई जाता हूँ पहले सोता हूँ मस्त, दिन करता हूँ फिर आता हूँ, इसको आराम से फिर देखेंगे। अभी इसको स्टॉप का कमांड देके जा रहा हूँ ताकि कहीं जाए ना, तो चलो भाई दिन कर लेता हूँ पहले, अभी तो सोने जा रहा हूँ मैं। सो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है, जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन अभी नहाना बाकी है, तो पहले नहा के आता हूँ, रुको मैं। हाँ यहाँ पे शॉर्टकट है भाई नहाने का, सीधा जंप मारो, अब देखो नहा के निकलूँगा बाहर में। तो चलो भाई मेरे साथ मेरे जग्गू का भी नहाना हो गया, लेकिन अभी भी नाश्ता बाकी है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ, बिकॉज भाई हमारे दिमाग का जो रास्ता है वो हमेशा पेट से होके जाता है, एंड भाई पेट ही भरा नहीं होगा तो दिमाग चलेगा कैसे, इसलिए नाश्ता भी करना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने कर लिया। एंड ये देखो भाई हमारा बैरियोनिक्स काफ़ी सही लग रहा है, एंड भाई रात भर बेचारा यहीं पे खड़ा था आरजी के साथ, आई थिंक काफ़ी फ्रेंडशिप इनमें हो गई होगी, एंड काफ़ी गप्पे शप्पे भी इन लोग ने रात को लड़ा ली होगी। तो चलो भाई जोक्स अबाउट, अभी इसका अपन सैडल ओपन कर लेते हैं। एंड हाँ, मैंने इसको टेम इसलिए किया बिकॉज ना मेरे को बहुत बंदे बोले कि बैरियोनिक जो है केव में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, एंड दूसरी चीज़ ये थी कि भाई दिखाना भी तो था कि भाई मैं बैरियोनिक से नहीं डरता हूँ, एंड ऐसा मतलब कि भाई एक तीर और दो निशाने, तो सेम वही समझ लो तुम लोग। तो अभी चलो इसका सैडल तो मैंने ओपन कर लिया, अभी इसको लगा दे। ये क्या है भाई, आते आते ही टट्टी कर दिया। चलो कोई, अबे ये नहीं, अच्छा इसका लेवल अप हो चुका है, तो अभी इसका क्या बड़ा है, पहले इसको सैडल पहना देता हूँ मैं। हेल्थ 74 बढ़ रही है वैसे, लेकिन अभी हेल्थ की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज भी नहीं मिली, डैमेज भी नहीं बढ़ाना। हाँ इसका स्टैमिना बढ़ाता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो स्टैमिना ही होती है फर्स्ट, क्योंकि इसके ऊपर राइड करने के बाद पता नहीं भाई इसके स्टैमिना का क्या सीन होगा। चलो भाई देखते हैं अब इसका क्या सीन है। ओके भागने में तो काफ़ी से, ओ भाई जंप भी कर रहा है ये, वो भाई मतलब जंप इसकी काफ़ी अच्छी है, ऐसा देखा जाए ना जंप इसकी अच्छी और स्पीड भी है ये, इसका प्राइमरी अटैक तो नहीं है, सेकेंडरी अटैक ये है। तो चलो भाई एक काम करते हैं, इसको अपन बाहर टेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई कितनी फूलती है इसके अंदर। कार्बो भाई आ जा पहले, तो तेरे पे टेस्ट करूँगा। अरे आई थिंक इसका मूड नहीं लगता है लड़ने का कार्बो का। चलो कोई नहीं, उसको नहीं परेशान करते, इसको करते। ये हो क्यों नहीं रहा भाई, ये क्या है अभी वापस से भाई, एक ही गेम में भाई 10-10 स्कैम कैसे होने लग गए। बक साले तू भागता किधर है, रुक, तेरी हिम्मत कैसी हुई ना। अटैक इसका अच्छा है, वैसे बोलूँ ना अटैक अच्छा है, लेकिन इसका ये सेकेंडरी अटैक करता क्या है भाई, एक तो प्राइमरी दिया भी नहीं, सेकेंडरी है वो भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा कलेक्ट करता है क्या, कलेक्ट भी नहीं करता यार कुछ। गाइस तुम लोग ना मेरे को दो तीन चीज़ें बताओ भाई, वो बीवर गायब कैसे हो, और इसका सेकेंड अटैक एक्चुअली है क्या। देखो ट्राइक पे करते हैं, इसके हेड पे ही करेंगे ये। अबे ये है क्या, चलो एक काम करते हैं भाई पानी में इसकी स्पीड चेक कर लेता हूँ मैं। ओके अच्छी खासी स्पीड है और प्राइमरी अटैक है। ओ भाई साहब इसका प्राइमरी अटैक है लेकिन पानी में वर्क करता है, अच्छा मतलब ये वाटर और ग्राउंड दोनों पे चलता है ना। चलो मछली पे ट्राई करते हैं एक बार, इसका क्या है ये।
वो भाई 10 फिश मीट्स काफी सही यार, मतलब इसका प्राइमरी अटैक तो पावरफुल है और ऊपर से पानी में एक ही झटके में उड़ा दिया। अच्छा भाई तेरे पे भी करेगा। अबे ये नहीं मरा यार। ओ शिट पिराना, चलो भाई मार दिया फिर भी। अच्छा भाई आजा 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 आजा। एक्चुअली ये जो पिरानाज है ना इनके ऊपर ना मतलब प्राइमरी अटैक दो बार करना पड़ा तब जाके लोग मर रहे, पता नहीं क्या सीन है ये। तो चलो भाई पानी के अंदर तो काफी सही था, लेकिन यार ये सेकेंडरी अटैक है क्या, मतलब ये किसी को उठाने के काम आ रहा है क्या, मेरे को नहीं समझ रहा इसका क्या यूज है एक्चुअली। गाइस तुम लोग को पता हो तो प्लीज यार मेरे को कमेंट में बता देना कि ये क्या सीन है, मतलब कैसे इसका यूज है सेकेंडरी अटैक का। प्राइमरी अटैक तो भाई फाड़ू था, लेकिन सेकेंडरी अटैक थोड़ा मेरे दिमाग में अब तक नहीं गया, थोड़ा क्या बिल्कुल भी नहीं गया दिमाग में मेरे। लेकिन कोई नहीं गाइस, आई होप आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो देखो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी कुछ नहीं यार, नेक्स्ट वीडियो में वापस से कुछ धमाल विमाल करेंगे। तुम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो जल्दी से जाके डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, बहुत ही नीट एंड क्लीन सर्वर है, जस्ट एक बार ज्वाइन करके देखो, पसंद नहीं आया तो तुम लोग लेफ्ट कर सकते हो। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो चले गाइस तब तक के लिए गुड बाय।